दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से इस समय प्राची की मांग में संदूर भरने के बाद में इस समय अक्षय का जो रिएक्शन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। हालांकि दोस्तों बात की जाए इस समय मीका की, तो मीका के मांग में संदूर भर रहा था रणवीर, लेकिन प्राची ने उस हाथ को मोड़ ही दिया था। लेकिन जिसके बाद में मीका को तो शक नहीं हो रहा, लेकिन दोस्तों इस समय असली शक जो पहुंच रहा है वो इस समय अक्षय को पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अक्षय का मानना ये है कि प्राची के दिल में आज भी कुछ ना कुछ रणवीर के लिए ज़रूर है। क्योंकि दोस्तों रणबीर की बात की जाए तो रणबीर के बारे में जो आखिरकार ऐसे सब कुछ चीज़ देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। और यहीं पे बात की जाए तो अब एक बार फिर से रिया की एंट्री होने वाली है। रिया एंट्री होने के बाद में जहाँ पर बोलती हुई नज़र आने वाली है कि अब ना यहाँ पर प्राची और ना यहाँ पर मीका, अब जो होगी वो मैं होंगी रणबीर की घरवाली के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट लगातार लाती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी बेहद बड़ा ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है। जब सभी लोग हैरान और परेशान इसलिए ही नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार इस चीज़ की पूरी वजह क्या होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पल्लवी बोलती हुई नज़र आएगी कि ये सब कुछ जो हुआ है, ये सब कुछ ना जाने क्यों मुझे लगता है रिया की वजह से हुआ है। क्योंकि दोस्तों रिया को ही इस चीज़ का कसूरवार मानते हुए नज़र आने वाले हैं सभी लोग। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि अभी तक कहानी एक मोड़ ले रही थी, लेकिन अब कहानी में कई मोड़ आ चुके हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।